अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख को हतमी करार दे दिया था और उसमें ताखीर से मुतालिक कयासराइयों से भी सख्ती से रोका हुआ है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले के अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क की सियासी जमातों ने इलेक्शन में ताखीर का खदशा जाहिर कर दिया है और इसका जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया है। लेकिन खुद तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी डाल रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर का खदशा जाहिर किया जा रहा है उसमें तहरीक इंसाफ दरख्वास्त गुजार है और अदालत ने कल पीटीआई के हक में फैसला दिया था, जिस पर कल तो पीटीआई जश्न मना रही थी, उनके वकला जश्न मना रहे थे और फैसले को खुश आइंद करार दे रहे थे, मगर आज खुद पीटीआई बैकफुट पर आ गई है। पीटीआई चाहती है कि आइंदा इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी के बजाय अदलिया से कराए जाए। इस हवाले से अब से कुछ दिन पहले पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमेर खान नियाजी ने लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी थी और इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी के अफसरान लेने के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन और इलेक्शन एक्ट की मुतलिका शिकों को कलदम करार देने की दरख्वास्त की थी, जिस पर समाअत के बाद कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नशवी ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के जरिए इलेक्शन कराने के इलेक्शन कमीशन के तमाम नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और उस पर लार्जर बेंच बनवाने के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया था, जिसके बाद इलेक्शन में ताखीर की कयासराइयाँ शुरू हो गईं। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी है, जिसकी वजह से सियासी जमातों ने इलेक्शन में ताखीर के खदशात जाहिर कर दिए हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने बयान जारी किया है कि इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। साइफर कहानी और आईएमएफ प्रोग्राम के खिलाफ मंसूबाबंदी की तरह ये हर बाबी इंतखाबात के खिलाफ एक नई साजिश है। पीटीआई मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है, जिसकी वजह से अगर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीटीआई की दरख्वास्त पर दिए गए फैसले की वजह से इलेक्शन में ताखीर की कयासराइयाँ और खदशात का इजहार शुरू होने लगा तो खुद पीटीआई भी बैकफुट पर आ गई और आज मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के साथ खड़े होकर कहा कि हमारा इरादा इलेक्शन में ताखीर कराना बिल्कुल नहीं था, इस मामले की वजह से इलेक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए। इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो ज्यूडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो डीसी को लगाए, तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये अट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूं एक चीज इसमें कि हमारी नजर में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हो और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटीशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीजन ना बने। नंबर वन तो वो पीटीआई ने फाइल नहीं किया वो केस जो है जी, वो कौन सा केस की बात कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ ही देर बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन में ताखीर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को बहाना बनाकर इलेक्शन में ताखीर ना करें। आज इलेक्शन कमीशन ने जो एक नोटिफिकेशन इशू कर लिया है और इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज और डीआरओज को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये खदशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होना लाजिम था। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है, स्टे का बहाना नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत। चेयरमैन पीटीआई के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक प्रेस रिलीज में लिखा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। चेयरमैन पीटीआई के इल्जाम अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है, डीआरओज और आरओज का तकरर कर दिया गया था, मुल्क भर में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। पीटीआई ने डीआरओज और आरओज के तकरर को चैलेंज किया, डीआरओज और आरओज की तकरूरी की मौतली के बाद की सूरत हाल पर गौर किया है, जल्द ही इस पर आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा, मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अहम बात यह है कि पीटीआई खुद दूसरी जमातों और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाकर इलेक्शन में ताखीर का खदशा जाहिर करती रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद उसी ने लाहौर हाई कोर्ट में ब्यूरोक्रेसी के बजाय अदलिया से इलेक्शन के लिए अफसरान लेने की सदा कर दी और फिर 7 दिसंबर को इस पर नोटिस हुए और कल इस पर उबूरी फैसला सुनाते हुए जस्टिस अली बाकी नचवी ने ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और दीगर स्टाफ तैनात करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और लार्जर बेंच की तशकील के लिए मामला लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा दिया।
जिसने इलेक्शन में ताखीर के खदशात को जन्म दे दिया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अली जफर साहब जाहिर पीटीआई ये कह रही थी कि दीगर जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, मगर अब बिल्कुल उल्टा हो गया। एक फैसला आता है लाहौर हाई कोर्ट से, दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जी जो जुडिशरी का अमला है वो आरोज होने चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव का अमला हो, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो आरोज की ट्रेनिंग का अमल शुरू किया था वो रोक देता है, सियासी जमातें आप पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हैं कि जी आप इलेक्शन में डिले चाह रहे हैं, ये क्या हुआ है अचानक? जी देखिए, आपका तासुर जो है या आपका जो इम्प्रेशन है कुछ हद तक तो दुरुस्त है, इम्प्रेशन तो यही जा रहा था, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा इस तरह देखिए कि एक तरफ हमारा मौकफ ये है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों और हम चाहते हैं कि आरोज जो हैं वो जुडिशरी की साइड से हों। तो हमने उस हद तक जहाँ तक पिटिशन फाइल करना है वो तो बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ बात है, लेकिन फिर ये जो स्टे ऑर्डर आया है उसकी वजह से खदशा ये आ गया है या खदशा ये हो गया है कि शायद इलेक्शन की वजह से डिले ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है इसकी एक बैलेंस की ज़रूरत है और हो सकता है कि हमारा मौकफ अब पीटीआई का ये हो कि ये स्टे ऑर्डर की हद तक हम विड्रॉ कराएं और केस को जल्द से जल्द समाप्त करें मेरिट्स पे कि क्या आरओ जो हैं वो कोर्ट से होने चाहिए, अदालत से होने चाहिए या वो ब्यूरोक्रेसी से हों। तो मेरा ख्याल है ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये जो तनकीद हो रही है शायद इसमें थोड़ी सी मुझे सही लगती है तनकीद, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लगता ये है कि जिस तरह हमने स्टे लिया है इसकी वजह से इलेक्शन डिले होगा, तो ये तासुर नहीं होना चाहिए, ये इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। साहब मगर क्या कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन अली जफर साहब पाई जाती है तहरीक इंसाफ में, क्योंकि जब चेयरमैन इलेक्ट करने का मामला आया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर कुछ पार्टी के रहनुमा आए उन्होंने कहा ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, मगर आखिर में वही दुरुस्त साबित हुआ जो आपने कहा था, अब अचानक ये हुआ, तो आज जब आप इलेक्शन कमीशन में आज पेश हुए हैं पीटीआई के इलेक्शन के मामले पर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी गालिबन आपसे कहा कि आपने ये क्या कर दिया है, तो आपने कहा कि मुझे भी आज सुबह पता चला है, क्या कोई कम्युनिकेशन का फुकदान है जिसकी वजह से ये हो रहा है? जी मेरा ख्याल है कि अब ये आप जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का तो सही दुरुस्त बात है, वहाँ मैंने मुझे पूछा और मैंने यही कहा, लेकिन और मुझे फ्रेंकली ये नहीं ख्याल था कि कुछ ये ऑर्डर लेने की कोशिश हो रही है। इतना ज़रूर फैसला हुआ था कि हम एक पिटिशन फाइल करेंगे और पिटिशन में हम ये कोशिश करेंगे कि जुडिशरी की तरफ से आरोज आएँ, लेकिन ये स्टे की हद तक का मुझे इल्म नहीं था, ना मेरे ख्याल से ये स्टे की ज़रूरत थी। बहरहाल अब हो गया है स्टे तो इसको विड्रॉ करने की ज़रूरत है और ये शायद हो सकता है थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन भी हो, लेकिन इस हद तक फैसला तो हुआ था कि हमने आरओ को ये चैलेंज करना है और कहना है, रिक्वेस्ट करनी है कि जुडिशरी की तरफ से आरओज आए। सब और मुझे साथ में भी बताएगा कि अब हुआ यह है अली जफर साहब के 2013 के इलेक्शन होते हैं तो वो जुडिशरी की तरफ से आरोज थे, इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किए, उन्हें सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कहा, सड़कों पर आए, इफ्तिखार चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। 2018 के इलेक्शन हुए तो वो पीडीएम ने कबूल नहीं किए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और आरटीएस बैठने का इल्ज़ाम लगाया। तो अब जुडिशरी तो कॉन्ट्रोवर्शियल ही होती रही है, अब अगर आरोज आ भी जाते हैं अदालत से और आपको इलेक्शन नहीं कबूल होते तो चीफ जस्टिस तो जैसे काजी फाइज ईसा हैं इमरान खान साहब कबूल कर लेंगे जब उन्होंने इफ्तिखार चौधरी पर इतने शदीद इल्ज़ाम लगाए थे? जी मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स को कबूल करना सीखें और मेरा ख्याल है कि मैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी को सजेस्ट करूंगा कि ठीक है हम चाहते हैं कि आरओज जुडिशरी से हों, इलेक्शन कमीशन ने शायद ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी से होंगे, तो वो जो भी है इलेक्शन चाहे ब्यूरोक्रेसी के नीचे हों चाहे जुडिशरी के नीचे हों, एक बार इलेक्शंस हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर हमें जो भी नतज हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि लोगों का मैंडेट होता है और अगर कोई धांधली किसी जगह पे साबित होती है तो फिर वो इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि आपने किस तरह वो कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी धांधली को साबित करना है और फिर अपना इलेक्शन को उस कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन को कलदम करा देना है, लेकिन ये आई थिंक एक हमें अब एक मच्योर पॉलिसी के तहत हमें अब ये पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि जिस तरह का भी इलेक्शन हो अल्लाह करे वो ठीक हो दुरुस्त हो, कोशिश करें
लोगों की जो आवाम का वोट है वो पहुंच सके पोलिंग बूथ तक भी, और वो फाइनली उसका रिजल्ट भी उसी तरह हो जो उनके उनकी ख्वाहिशात हैं, और फिर हुकूमत बने और हम आगे तरक्की करें मुल्क की। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब की तरफ से अहम अनाउंसमेंट आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिना वापस ले सकते हैं। इलेक्शन में ताखिर से मुतालिक पीटीआई के खिलाफ तासुर कुछ हद तक दुरुस्त था, तनकीद सही लगती है। मेरा नहीं ख्याल था कि पार्टी हुक्म इम्तिना लेने की कोशिश कर रही थी और ना इसकी ज़रूरत थी। यानी जहाँ एक तरफ पीटीआई के वकला इस बात पर बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, वहीं अली जफर साहब कह रहे हैं कि हुक्म इम्तिना लेने की ज़रूरत नहीं थी और इसे पार्टी वापस ले सकती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि दूसरी तरफ आज अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई, जिसमें खुसूसी अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त पर फैसला दिया कि अब साइफर केस की अडियाला जेल में होने वाली अगली समाअत इन कैमरा होगी। एफआईए के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत से सदा की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात वाकयात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है, साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। चार्ज फ्रेम हो चुका, शहादत रिकॉर्ड होना है, शहादत रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया कि हमने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन कलदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया। हमें मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो इस पर स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा कि आप समाअत के दौरान कहाँ थे, सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। आज की समाअत के दौरान तलब किए गए गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके और अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त मंजूर करते हुए साइफर केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में इन कैमरा करने का हुक्म दे दिया। जबकि अब से कुछ देर पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने हुक्म जारी करते हुए साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। खसूसी अदालत के हुक्म के मुताबिक पेमरा और पीटीए को इन हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत की जाती है। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली अदालत में मशरूत मौजूद होगी। शर्त होगी कि अदालती कार्रवाई को फैमिली मेम्बरान किसी जगह बयान नहीं करेंगे। अदालत ने अपने हुक्म में मजीद कहा कि ट्रायल की कार्रवाई के दौरान पब्लिक मौजूद नहीं होगी। यानी इमरान खान के साइफर केस में अब मुकम्मल तौर पर सब कुछ सीक्रेट होगा। ये नया हुक्मनामा अदालत की तरफ से जारी कर दिया गया है। मीडिया को इजाज़त नहीं होगी, इसके अलावा ज़राए के ज़रिए भी मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी और फैमिली को भी बाहर आकर अदालती कार्रवाई पर बात करने की इजाज़त नहीं होगी। इस हद तक इस मामले को सीक्रेट कर दिया गया है। इमरान खान के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ पीटीआई ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त केस लड़ रही है, बल्कि आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान के हक़ में एक केस बरतानिया में और दूसरा केस डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में करने का ऐलान कर दिया। हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है, हमने आखिरी मोमेंट तक आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पर अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। दूसरी जाने बाद साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए कानूनी तकाजे पूरे ना करने के खिलाफ केस की भी समाअत हुई। ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने की। ये वही जज हैं जो उस दो रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने साइफर केस में जेल ट्रायल के तमाम तकाजे मुकम्मल ना होने पर पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर 21 नवंबर को उनके हक में फैसला दिया था। और आज इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम ने ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद करने के ऑर्डर को चैलेंज किया था और अदालत से सलाह की थी कि इस केस की आइंदा समाअत तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के लिए हुक्म इम्तिना जारी करे। आज की समाअत में अदालत ने इमरान खान की मरकजी दरख्वास्त और हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर एफआईए और साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ खोकर को नोटिस जारी करते हुए इस केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एक तरफ साइफर की समाअत एक बार फिर तेजी से जारी है, तो वहीं 190 मिलियन पाउंड केस के बाद अब नैब तोशाखाना केस में भी इमरान खान के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रहा है। कल एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज होने के बाद नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी थी, जिसके बाद आज नैब ने एहतसाब अदालत से इमरान खान के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब की 7 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। इमरान खान को 16 दिसंबर को दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब इमरान खान से गुज़िश्ता माह तफ्तीश मुकम्मल करके रिफ्तार दायर कर चुका है और अब तोशाखाना केस में इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की सजा मंजूर हो गई है। यानी हर हाल में नैब की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को जमानत मिले भी किसी केस में तो उन्हें गिरफ्तार रखा जाए।
प्राइम में आगे बढ़ते हैं। 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की और उस वक्त के मेजर जनरल फैज हमीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से मुलाकात करके कहा कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर आने नहीं देना, तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और 21 जुलाई को बाढ़ से खिताब करके अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से मुतालिक इंकशाफ किया। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जाम का जायजा लेने के बजाय उन्हें ही अहदे से बरतरफ कर दिया और उनकी बरतरफी से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर की थी। फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अपनी दरख्वास्त में उन्होंने ISI के साबिक सरबरा जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जाम भी लगाए, मगर उनकी इस दरख्वास्त पर एक लंबे अरसे से समाप्ति नहीं हुई। फिर जस्टिस काजी फाइदीसा चीफ जस्टिस बने और आज चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइदीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने उनकी 21 जुलाई की तकरीर का मतन सुप्रीम कोर्ट को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइदीसा ने दरख्वास्त गुजार शौकत अजीज सिद्दीकी को वाज हिदायत दी कि आपने जिन जिन पर इल्जाम लगाए हैं या तो उन्हें फरीक बनाएं या एक नई दरख्वास्त दायर करें जिसमें उन अफराद का नाम शामिल ना हो, लेकिन अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो उन्हें फरीक बनाएं, क्योंकि हमें इल्जाम पर दूसरे फरीकैन को नोटिस जारी करना होगा। जिसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे समेत दीगर फौजी अफसरान को फरीक बना दिया गया है और अब कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, जिसमें अदालत नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद समेत दीगर अफसरान को नोटिस जारी हो सकते हैं। आज होने वाली केस की समाअत को बराह रास्त नशर किया गया था, जिसमें मामला जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जाम से शुरू हुआ और ख़त्म दरख्वास्त गुजार की जानिब से जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद समेत दीगर अफसरान को केस में फरीक बनाने की रजामंदी पर हुआ। दिस इज योर केस, यू कंडक्ट इट एनी वे यू वांट टू। वी आर इट्स नॉट फॉर अस टू टेल यू हु टू मेक अ पार्टी और नॉट टू मेक अ पार्टी, बट वन थिंग इज क्लियर, वी विल नॉट हियर अ सिंगल एलिगेशन अगेंस्ट अ पार्टी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, if you want, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane, then one second, then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. If you, this is not for us to tell you, it's for you to tell, but we will not hear. You can't have it both ways. You can't say I'll make allegations against this person but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process, that's against every principle that I have been brought up to adhere to. So you think about it, we're not compelling you one way or the other, it's your call, but if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even say, utter a word then. And so you think about it, so we can fix it. In I'm requesting that. I'm requesting that. ये भी एक बात, ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये भी आपने देखा, इट्स वेरी सीरियस, रजिस्ट्रार कैन डू सो। नहीं देखिए, अभी इन्हें आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना। फिर आपको भी या तो विड्रॉ करें सारे एलिगेशन के खिलाफ फिर चलाएं। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, आप आई टेल यू वन ऑफ आवर ब्रदरन वोंट बी हियर टिल द 15th of January। If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If yes. you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice. Or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, no, it's before vacations. And there's one more week before vacations. Oh. I mean, next Tuesday. No. Tomorrow's the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued in everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th or 31st, the 2 weeks vacations.
Rather on 18th, I'm at Quetta. And I've been Karachi. On 18th, there is a bench at Quetta. Vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we can. We will just meet for 1 minute then. Yes, sir. I'll give the application. No, you want to think about it or you have tomorrow? Tomorrow. I want to think about it. अब देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है जिसके बाद जजेस छुट्टियों पर चले जाएंगे और फिर जनवरी को ये मामलात दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस मजाहिर नकवी के हवाले से अहम समाअत हुई है, उनकी दरख्वास्त कबूल हुई है कि समाअत ओपन हो। क्या तफसीलात सामने आई हैं आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मजाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत में आज एक अहम मोड़ आ गया है। जस्टिस मजाहिर अली नकवी की अपनी दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई ओपन कर दी है। आज चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शरीक हुए। इजलास के पहले दौर में ज़राए के मुताबिक जस्टिस मजाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस काउंसिल में पेश हुए और कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समाअत ना की जाए, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कार्रवाई जारी रखते हुए समाअत ओपन करने की जस्टिस मजाहिर अली नकवी की दरख्वास्त मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। फिर एक वक्फे के बाद काउंसिल ने ओपन कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने रिमार्क देते हुए कहा कि जस्टिस मजाहिर अली नकवी ने वकील के जरिए कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त की, जज के तहफ्फुज़ के लिए कार्रवाई इन कैमरा होती है। जस्टिस मजाहिर अली नकवी ने खुद कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर किया। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी को जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकती है, मगर जवाब देने के लिए काउंसिल पर शराइत आयद नहीं की जा सकती। जस्टिस मजाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने काउंसिल को बार बार दरख्वास्तें दी, जवाब देने के लिए मालूमात दरकार है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किसी खत का जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अलग आईनी इदारा है, आपने कहा कि ओपन कार्रवाई हो, हमने कर दी, अब ना बताएं कि आपने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर की, ये बताएं क्या चाहिए, हम अभी दे देते हैं। आपके लिखे गए खतूत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं तो कैसे देखें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की नोटिंग और उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय नहीं दी गई। इस पर चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड की फाइल ख्वाजा हारिस को देने की हिदायत की, जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का लिखा गया नोट पढ़ा और फिर कहा कि इस नोट में तो सिर्फ शिकायत पर राय देने का कहा गया है, ये तो मैं वो पढ़ रहा हूँ जो मुझे पढ़ाया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने रिमार्क दिए कि ऐसी बात ना करें कि पढ़ाया जा रहा है, देखें हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं, आपको सब ओपन चाहिए था, हमने कर दिया, अब सब ओपनली पढ़ें, ये लफ्ज़ ठीक नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। जुडिशियल काउंसिल के पास एक ही फाइल है जो आपको दे दी है, अब जो चाहे पढ़ लें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस मजाहिर अली नकवी पर कानूनी राय दी, जबकि वो खुद शिकायत का सामना कर रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस को हिदायत की कि आप अपनी शिकायत पर ही रहें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए ताकि शो कॉज का जवाब दे सकूं, जबानी तो पढ़कर सब भूल जाता है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि फैसला करेंगे कि आपको रिकॉर्ड की कॉपी देनी है या नहीं देनी है, आपको सारा रिकॉर्ड अभी दिखा देते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड दिखाकर ज़बरदस्ती आप मर्जी की बातें सुनना चाहते हैं, लगता है जुडिशियल काउंसिल पहले ही अपना फैसला कर चुकी है, हमारी दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं, हमें आईनी हक दिया जाए। इस दौरान जस्टिस मजाहिर अली नकवी रोस्टम पर आए और आकर बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने रिमार्क दिए कि आप दोनों में से जो चाहे बात कर ले, हमें मसला नहीं है। लेकिन ख्वाजा हारिस ने अपने मौकिल जस्टिस मजाहिर अली नकवी को बात करने से रोक दिया। फिर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने रिमार्क देते हुए कहा कि हम आपको वक्त देंगे, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, तफसीली जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दे देते हैं, शिकायत कुनंदगान से गवाहान की फहरिस्त भी मांगेंगे, आपका हर खत सोशल मीडिया पर आ जाता है, मुझ तक खतूत बाद में पहुँचते हैं, सोशल मीडिया पर पहले पहुँच जाते हैं, हम मोहतात हो गए हैं कि बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस मजाहिर अली नकवी को दिया तो सोशल मीडिया पर ना आ जाए। काउंसिल की सेक्रेटरी पर मीडिया को मालूमात देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, काउंसिल की सेक्रेटरी कहती हैं कि वो कभी उस सहाफ़ी से मिली ही नहीं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा
कि काउंसिल की सेक्रेटरी वाले इल्ज़ाम पर हम मुआदरत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद इमास दिए कि ऐसा भी मुमकिन है कि आपको दलाइल से रोक दें या एक और नोटिस जारी कर दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिसकंडक्ट की इंक्वायरी करती है, इसमें वकालत की गुंजाइश नहीं होती। ख्वाजा हारिस ने कहा कि पहली समाअत पर भी हमें बुलाया गया लेकिन मालूम नहीं इल्ज़ाम क्या हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि पहली समाअत में जस्टिस नकवी को बुलाया नहीं था, सिर्फ बैठने की इजाज़त थी। मैं नहीं चाहता था कि जस्टिस नकवी के पीठ पीछे कोई कार्रवाई हो। मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो काउंसिल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया था। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शक्ल भी नहीं देखी थी। हम देख लेते हैं शिकायत में कोई वजन है या नहीं है। आप शो कॉज का जवाब नहीं देना चाहते तो कह दें नहीं देना। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। आप रोज़ कहते हैं आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड दे दें ताकि जवाब दे दूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपने मीडिया को रिकॉर्ड पढ़वाना है तो पढ़ा दीजिएगा। शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देना तो बता दें। ये इजाज़त नहीं दूंगा कि आप जो मर्जी कहते रहें और हम सुनते रहें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने आपको दो खतूत लिखे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि क्या आपको खत लगा रखी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मैं नहीं हूँ, मैं उसका सिर्फ एक मेंबर हूँ। क्या हर एक खत पर एक चीफ जस्टिस लाहौर और एक कोयटा से आए? लाहौर और कोयटा से सफर करके आने का टैक्स अवाम दे रहे हैं। जो दरख्वास्त करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से करें, मुझसे नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ अगर ये तासुर गया कि मैं आपको इनफरादी तौर पर कह रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने इधर उधर की बातें करनी है तो करें, हम कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ दिन दे दें। मैं शो कॉज नोटिस का जवाब देना चाहता हूँ। कल आईनी दरख्वास्तें मुकर्रर हैं, जो भी फैसला होगा फिर जवाब दे देंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस पर रिमार्क दिए कि आप कहना चाहते हैं कि आईनी दरख्वास्त दायर हो तो काउंसिल खामोश होकर बैठ जाए। क्या आईन सुप्रीम कोर्ट में पटिशन करने पर काउंसिल कार्रवाई से रोकता है? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आईन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मैंने अपने रेफरेंस में जुडिशल काउंसिल को दो जवाब जमा कराए थे। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की वजह से कार्रवाई नहीं रोकेंगे, हर आईनी इदारे को अपना काम करना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि काउंसिल रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि काउंसिल दो हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। साबिक चीफ जस्टिस चाहते तो केस खुद सुनकर फैसला कर देते, बदकिस्मती से ये तकलीफ दे काम मेरे हिस्से में आया। कोई नहीं चाहता कि अपने साथी जज से सवाल जवाब करे। अपने साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत तकलीफ दे अमल होता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि साथी जज को कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब करें। आज समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने जैसे मुजाहिर अली नकवी को मजीद वक्त देने की मुखालफत कर दी। इस पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा हसन रजा पाशा से सवाल किया कि मजीद वक्त देने से आपकी क्या हक तलफी होगी, आपके गवाहान कौन हैं? हसन रजा पाशा ने जवाब दिया कि गवाहान में ऑडियो लीक्स वाले अफराद हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसा ने रिमार्क दिए कि ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त भी हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियोज तोड़ मड़ोड़ कर बना देता है, सिर्फ गवाहान बताएं। इस पर हसन रजा पाशा ने गवाहान में ऑडियो लीक्स, प्रॉपर्टी दस्तावेजात और हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के नाम दे दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया तो ख्वाजा हारिस ने अटॉर्नी जनरल पर एतराज करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं जो हमारे खिलाफ शिकायत गुजार है। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल पर एतराज मुस्तरद कर दिया और शिकायत कुनंदगान के गवाहान की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दे दी। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि कुछ गवाहान का शायद इजाफा हो। इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को गवाहान की फहरिस्त देने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया और करार दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 11 जनवरी को होगी। जैसे मुजाहिर अली नकवी शो कॉज के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी दें, जिसे मुजाहिर अली नकवी का जवाब तसली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई ख़त्म कर देगी। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस का जवाब देने की मोहलत में 1 जनवरी तक तौसी कर दी और वाजे किया कि 1 जनवरी 2024 के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। आज ही जैसे मुजाहिर अली नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम में खत सामने आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे खिलाफ काउंसिल की कार्रवाई की खुली समाअत की जाए, जबकि इससे पहले 12 दिसंबर को जैसे मुजाहिर अली नकवी ने अपने खिलाफ कार्रवाई के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत भी लिखा था। इसके अलावा जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है, जिस पर कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच 3 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। प्राइम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम केस का फैसला सामने आया है, उसके तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में चक शहजाद के फार्म हाउस में अपने शौहर के हाथों बेरहमी से कत्ल होने वाली कैनेडियन निजात सारा इनाम के कत्ल केस में आज ट्रायल कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। ट्रायल कोर्ट ने सारा इनाम के शौहर शाहनवाज़ अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है, जबकि अदालत ने इस केस में शरीक मुलजिम शाहनवाज़ की वालदा
समीना शाह को बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने आज अपने 9 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। 75 सफात पर मुश्तमिल फैसले में जज नासिर जावेद राणा ने लिखा है कि इस्तगासा मुलजिम शाह नवाज अमीर के खिलाफ मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा है। शाह नवाज अमीर ने जानबूझकर सारा इनाम का कत्ल किया, लिहाजा अदालत उसे मुजरिम करार देती है। शाह नवाज अमीर ने सारा इनाम को सर पर वजनी डंबल के बार बार बेरहमाना जरब लगाकर कत्ल किया। मुजरिम शाह नवाज अमीर ने जालिमाना और बेरहमाना कत्ल किया और वो अदालत की जानिब से किसी भी किस्म के रहम का मुस्तहिक नहीं है। शाह नवाज अमीर को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302B के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है, जबकि मुजरिम शाह नवाज अमीर 10 लाख रुपए का जुर्माना सारा इनाम के लवाहिकीन को अदा करे। अदालत ने फैसले में इस केस की शरीक मुलजिमा समीना के बारे में लिखा कि जहां तक शरीक मुलजिमा समीना शाह का ताल्लुक है, उन्हें FIR में नामजद नहीं किया गया। समीना शाह को बाद में कत्ल में मुआवनत के इल्ज़ाम में मुकदमे में नामजद किया गया, तहम उन पर कत्ल में मुआवनत के इल्ज़ाम के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले पर सारा इनाम के वालदेन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि समीना शाह नवाज को भी सज़ा दी जानी चाहिए। सारा इनाम के वालदेन के मुताबिक जिस दिन सारा इनाम का कत्ल हुआ उस दिन रात को 7 बजे से सुबह 10 बजे तक 3 लोग उस घर में मौजूद थे। जब सुबह के वक्त पुलिस वहाँ पहुँची तो मेरी बेटी दुनिया से जा चुकी थी और वहाँ सिर्फ माँ और बेटा थे। मेरी बेटी को माँ ने मारा या लड़के ने या फिर दोनों ने मिलकर मारा है। 37 साल सारा इनाम एक कैनेडियन शहरी थी जो अपने शौहर शाह नवाज शाह से मिलने इस्लामाबाद आई थी, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने के अगले ही दिन यानी 22 दिसंबर 2022 को शाह नवाज ने डंबल के ज़रिए अपनी बीवी सारा इनाम को कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद उनकी लाश बाथटब में डाल दी। इस वाक़े की FIR शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन के SHO की मुदैयत में दर्ज की गई थी, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने इसमें दफ़ा 109 भी शामिल कर दी जो जुर्म में मुआवनत के बारे में है। और इसके बाद मुलजिम शाह नवाज अमीर मुलजिम के वालदैन समीना शाह और रियाज अमीर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाकई की FIR के मुताबिक पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची जहां पर कत्ल हुआ था, तो वहां मुलजिम की वालदा ने उन्हें बताया कि उनके बेटे शाह नवाज अमीर ने अपनी बीवी सारा इनाम को लड़ाई के दौरान कत्ल कर दिया है। FIR के मुताबिक समीना शाह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अभी भी फार्म हाउस में मौजूद है। पुलिस ने जगह को घेरे में लेकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जिसके हाथ हिरासत के वक्त खून में लथपथ थे। इंक्वायरी के दौरान शाहनवाज ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि उसने अपनी बीवी को डंबल से कत्ल करके उसकी लाश बाथरूम में छुपा दी है। FIR के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम की इतला पर लाश बरामद की और एक बिस्तर के नीचे से आला वारदात भी बरामद किया। शाहनवाज अमीर को वाकये के अगले ही दिन यानी 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर आज उसे सजाए मौत सुनाई गई है। 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में ही 27 साल नूर मुकदम का भी बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस वाक़े का 7 माह तक ट्रायल चलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत 36 साल की कैद बा मुशक्कत और 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया था। अपनी सजा के खिलाफ मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जहाँ उसकी अपील मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद उसने रिलीफ के लिए इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया जहाँ उसकी अपील अभी भी ज़ेर-ए-इल्तवा है और नूर मुकदम के वालदैन आज भी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं। आज सारा इनाम कत्ल केस की समाअत के दौरान नूर मुकदम के वालदैन भी मौजूद थे और आज के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम ने नूर मुकदम के केस में भी चीफ जस्टिस को नोटिस लेने का मुतालबा किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।